हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, फिट होंगे और तगड़े होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बैरो गेमर्स स्क्वाड पे। जैसा कि आप देख रहे हो, हम बना चुके हैं कस्टम रूम और मेंबर्स इकट्ठे हो चुके हैं। तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ हाईलाइट्स इस रूम की। तो चलो लेट्स गो बेबे, आज हाईलाइट देखें मिल के। और गेम शुरू हो चुकी है। जहाज़ निकल चुका है अपने रास्ते पकड़ते हुए लाइन अपनी जोर जो पुल से लेके लिपोवका वाली। तो अपने साथ टीम जुड़ चुकी है, काफ़ी 18 टीमें जुड़ चुकी हैं अपने साथ। और पहले पे है पीवीएक्स, सेकंड नंबर पे है बैरो, थर्ड पे है मिस्टर स्कॉट, फोर्थ पे मिस्टर ही है। तो काफ़ी टीम्स जुड़ चुकी है, जोर जो पुल उतरते हुए दिखे मुझे स्कॉट। और जो 25 टीम दिखा रही है 18 टीम्स अपने साथ। 23 पे मिस्टर, 22 पे PB10, 12 पे पापा, 13 पे HR, 11 पे सतनाम। तो काफ़ी आप देख रहे हो स्कोर्स जुड़ चुकी हैं अपने साथ। चल रहा है आज अपनी वही लाइन पे, धीरे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, जैसे चलता है ना मकड़ी वाली स्पीड पे, वही स्पीड पे चलते जा रहे हैं। और काफ़ी स्कोर्स दिख रही हैं उतरते हुए जोर जो पुल की तरफ। और जहाज़ जा रहा है आगे को लिपोवका की तरफ। और ऑलमोस्ट सारी स्कोर्स उतर ही चुकी है। ज़्यादातर बैरोस की स्कोर जा रही है जैसे कि मिलिट्री बेस की तरफ, और एक स्कोर पहुंच चुकी में जाते हुए दिख रही है हमें। और ये शहरी की स्कोर जा रही है मिल्ट्रा पावर की तरफ। और अनिश की स्कोर पहुंच चुकी है, पानी में घुस गया भाई, तो ज़मीन के अंदर ही घुस लिए ये। तो कैसा ग्लिच है ये, पबजी में ग्लिच की एक तो कमी नहीं है, उतने कहते सर पे बाल नहीं जितने पबजी में ग्लिच है। और ये इनसेन फिनिशर ने T13 के 2 बंदे नॉक कर दिए, और इसी के साथ पूरी स्क्वाड मार दी है फिनिशर ने, पूरी एक स्क्वाड ख़त्म कर दी है इनसेन फिनिशर ने। इनकी स्क्वाड ने T8 ने T13 पूरी ख़त्म कर दी जैसा कि। और ये बंदा सोलो उतरा है उन्हीं के पास में, इनसेन फिनिशर के पास में, इनसेन वालों के बगल में उतरा है ये भी। तो ये तो फिलहाल अकेला है अभी, तो इसके पास कुछ भी नहीं है भाई के पास इतना खास। और ये धोनी वेयर हाउस लूट रहे हैं ये भाई, है तो इनसेन वालों के मेंबर, ये पता नहीं आज अकेले कैसे पड़ गए, आज सोलो खेल रहे हैं, लूट रहे हैं। बैरल पकड़ लिया, बैरल तो भाई ऐसी गन है कि जो सामने आया भाई उधेड़ देती है सबको, देखती नहीं कौन आगे कौन नहीं, चाहे बंदे के पास कुछ भी हो, ग्रोदा कुछ भी नहीं देखती है, ऐसी गन है। तो भाई कमेंट जरूर करना किस किस की फेवरेट गन है बैरल। और जैसा कि आप देख रहे हो बड़ा जो भी है लंबा, उसको दिया है उन्होंने डैमेज 12 टी नंबर 12 में, टी नंबर 11 के बड़ा लंबा लंबा वाले लड़के को वो दिया है डैमेज। भाई आप पूरा नाम खुद पढ़ सकते हो, नाम नहीं लेने का, ना 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 बिल्कुल नहीं नाम लेने का। और ये 12 नंबर को पूरा डैमेज दिया गया है लंबा की टीम की तरफ से, फॉरबिट की टीम की तरफ से पूरा डैमेज दिया डेंजर ने, उठा उठा के डैमेज दिया है, उठा उठा के मतलब गोली में से निकाल निकाल के सीधा उसके सीने में डाल डाल के, मगर फिर भी मरा नहीं। और ये भाई साहब इनके एक प्लेयर नो के टीम और 12 के, और ये भाई साहब पड़ के अकेले, और हेडपॉट पकड़ के कर दिया पुश पुश करो खुश रहो। और ये आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते M4 पकड़ के हाथ में लगा के सप्रेसर, इनके पीछे से आ गया है 4 बिट का प्लेयर और ले लिया इनको, पूरा ही खा लिया है। और जैसा कि अभी ये लूट करेंगे, हाँ भाई साहब वो तो सभी करती हैं तो ये भी करेंगे, इसमें बड़ी कौन सी बात है, तो मैं तो बता रहा था सिर्फ आपको। तो इसके आगे सोल शेरिक ने किया है नोक बंदे को, कार 98 मेरी जान को पकड़ के हाथ में दिया है उसमें डाल, अरे कार 98 की गोली डाल लिया उल्टा सीधा नहीं सोचने का, पहले भी कहा था ना। तो ये भाई साहब बुट्टल जी भी पड़ गए नोक, तो पूरा खा लिया बुट्टल को। और ये T9 के रॉयल वीर जी जो भी हैं भाई साहब, ये आए हैं M4 पकड़ के हाथ में, आगे धीरे धीरे बढ़ते ये जा रहे हैं क्लियर करने, मगर हुआ नहीं इनसे बंदा क्लियर। तो T9 पूरी उड़ चुकी है, T3 ने पूरा ही खा लिया T9 को, बाबा की स्कोर ने, मिस्टर की स्कोर ने पूरा एक फिनिश कर दिया है। और दे रहे अपने भाई को वो रिवाइव, तो देना चाहिए भी, ऐसे भाई साहब मर जाएगा चला चला के। और ये भाई साहब अकेले हैं सोलो खेल रहे हैं जो कि, और इन्होंने एक बंदा नोक किया, 2 बंदे नोक किए इन्होंने अकेले ने। ओ भाई साहब ओपी क्लच ब्रो, ओपी क्लच क्या मारा है बंदे ने, चाओ क्या बंदे ने मारा भाई साहब, गया 3 नंबर 25 का सोलो खेल रहा भाई साहब का क्लच था।
मैं थोड़ा सा तो मिस कर दी गेम, लेकिन बहुत तगड़ा क्लच था भाई साहब का। अकेले ने पहले तीन बंदे पूरे स्कोर खा लिया, और ये भाई साहब सोल शहरी भाग रहे जोन की तरफ धीरे धीरे। नहीं, फास्ट में भाग रहे ये तो, ड्रिंक ड्रुंक पी के। तो ये भाई साहब इधर पहुँचे हुए हैं जिस स्कूल के अपार्टमेंट में, 3 नंबर 22 सामने, 3 नंबर 24 आते हुए गाड़ी लेके। और 3 नंबर 24 के प्लेयर नो के जैसे ही देख रहा हूँ मैं, 3 नंबर 24 के प्लेयर ने, DRC ने उसकी मारने की उसको, मगर मरा नहीं। तो एक तरफ 3 नंबर 22, एक नंबर टीम 24, देखो कौन किसको पेलता है। बहुत ही तगड़ा तरीके से नोक किया भाई साहब, लेट गए इसलिए बच गए, नहीं तो खुद मरते। और ये भाई साहब को पीछे से पेल दिया गया है, और भाई साहब की गेम ख़त्म। बहुत ही गजब, फिर भी OP, अकेले बढ़ गए थे भाई साहब। और ये टीम नंबर 10, टीम नंबर 15 जो कि है रोजोक में, और इनके पास है इनसेन की स्कोर। टीम नंबर 23, मिस्टर एंडी, मिस्टर बाबा ने मिलके जो कि बंदे खाए हैं तीन, और इनका एक बंदा नोक है बैड एस। सो भाई साहब क्या क्या नाम लाते हैं यार पबजी में, मतलब कि जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं ना, पवित्र एकदम साफ सुथरे वर्ड, वो सारे पबजी में देखने को मिलेंगे मिलेंगे भाई साहब। एक से एक बढ़कर नाम लाते हैं लोंडे लोग। और ये भाई साहब जो अकेले क्लच कर रहे हैं, टीम नंबर 25 के 16 प्लेयर, शाउस बेबी टोर्नेडो ला दिया। भाई साहब का नाम भी टोर्नेडो, ला भी टोर्नेडो लाया, उसी के साथ WV किलर ने किया है नोक शॉटगन के, सॉरी वो स्नाइपर के साथ, और कर दिया पुश डायरेक्ट मिस्टर की स्कोर के ऊपर, पुश कर दिया मिस्टर सामने, मिस्टर आशु, मिस्टर होक। WV किलर, और पीछे से आशु आए हैं और नोक किया उन्होंने एक प्लेयर, और किलर को भी मारने की कोशिश की आशु ने। बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं आशु भाई साहब, UZI लेके आए थे हाथ में खेलने के लिए, और मर चुके हैं। पूरी स्कोर क्लियर कर दी है जैसे कि WV वालों ने। और ये टीम नंबर 5 जो कि उनको मार के गई, लेकिन पुश ही नहीं किया इन लोगों ने, चले गए ये लोग बस उनको डरा के, ऐसे भाई समझ के छोड़ दिया इन लोगों ने, लेकिन चले गया। और ये टीम नंबर 10 है, तो लग तो रहा है कि टीम नंबर 5 इधर आके रुकेगी, इन पे पुश करेगी जैसा कि जा रही है इधर से। और हाँ, इसी के साथ टीम नंबर 10 स्पोर्ट हो चुकी है टीम नंबर 5 को, टीम नंबर 5 ने कर दिया पुश, और डायरेक्ट पुश करते ही नॉक कर दिया है बाबा ने लव को। इनसेन किस स्कोर का एक प्लेयर घायल है, जो कि छत के ऊपर घायल हो चुके हैं भाई साहब। और सामने है दो प्लेयर और एंडी ने पकड़ी M4, और इन्होंने स्लो से डिप्पी से दिया डैमेज थोड़ा सा, फुल्ली पूरा ही दे दिया डैमेज, ऑलमोस्ट 3x लगा के। और एक बंदा गया रिवाइव करने लव को, और फैरी भी नोक है, और लव भी क्लियर हो चुका है बॉम्ब मार के, इनको क्लियर कर दिया गया नेट से। और ये आखिरी प्लेयर क्या करते हैं भाई साहब, ये भी क्लियर हो चुकी है बॉम्ब से। और ये और भाई साहब चाओ उसने दो बंदे और मार दिए हैं, पूरी टीम एक और खाली है। ये भाई साहब तगड़ा खेल रहे हैं, OP क्लच देखने को मिल रहा है हमें, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं भाई साहब, बहुत ही तगड़ा खेल रहे हैं टोर्नेडो। और टोर्नेडो मर चुके हैं, इनसेन की स्क्वाड के एक बंदे ने टोर्नेडो को मार दिया अनिश ने। और मैं थोड़ा लेट हो गया, जब तक खाना खुना सबने पचा लिया मैं तब पहुंचा, और इधर तो आके पता चला कि लंगर ख़त्म हो चुका है। और अभी देखो बर्तन उठाए जा रहे हैं, बड़ा बुरा लगा। चाउ बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, सुन के गम हुआ कि चाउ इस दुनिया में और नहीं रहे, और अनिश ने पहला उनको, अनिश भी OP बंदा। और ये सामने से आ गया WV की स्कोर, जा रही है जोर जो पुल की तरफ गोलियों से बचते हुए। बग्गी में बैठे हैं दोनों सवार होके, लेकिन तीनों मिलके मारे, लेकिन अभी तक एक भी नॉक नहीं हुआ। और
डब्ल्यू बी फिर से वापस आ रहे हैं, बल्कि उनको जाना चाहिए, और डब्ल्यू बी ने सीधा पुश कर दिया है। भाई क्या सोच के पुश किया वो तो नहीं मालूम, लेकिन बंदे में दम बहुत है, बहुत बड़ा झगड़ा, कि इतनी गोली खा के इतना डैमेज था फिर भी पुश किया है, गोलियों से बचते हुए हेल्थ लगा रहे हैं। सामने इंसेन और ये मिस्टर किस लो टीम भी आ चुकी है यहाँ पे इनके पास, ज़रूर थर्ड पार्टी करेंगे ये लोग, मौके का फ़ायदा उठाएंगे, किल्स निकालेंगे। दिया है डैमेज बाबा ने, और मिस्टर वो डब्ल्यू वी की स्कोर तो क्लियर हो चुकी है पूरी, डब्ल्यू वी की स्कोर क्लियर है। इन अनिश ले रहे हैं लूट, अनिश ने एक बंदा मारा उनका, टीम नंबर 5 लेफ्ट से ज़रूर वो फ्लैंक कर रही है, और एक बंदा इनका नॉक हो चुका है इनसेन वालों का। अभी रह गए इनसेन अनिश और सनी, देखो कौन किसको पहलता, सनी ने पकड़ी है ओम और ग्रोजा, गन्स तो दोनों हाथ में तगड़ी तगड़ी पकड़ लिया, देखो क्या करते हैं अभी सनी भाई साहब। और ये वेद बैरोस की स्कोर भी आ चुकी है यहाँ पे, ये भी जरूर थर्ड पार्टी करेंगे, ये भी मौके का फ़ायदा उठाएंगे, जैसा कि टीम नंबर 5 ने उठाया इधर आके, ये भी उठाएंगे। अभी देखो क्या करती है अनिश, अनिश ने स्मोक फेंका है, अपने बंदे को रिवाइव देंगे जरूर, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। रिवाइव इस जगह पे रिवाइव देना चाहिए, नहीं तो बहुत से भाई ऐसे ऐसे प्रो प्लेयर देखे हैं मैंने जो रिवाइव नहीं देते, और अकेले होते हैं लेकिन बंदे ज़रूर मारने की कोशिश करते हैं और भाई मार भी नहीं पाते, बड़े बंदे देखे ऐसे, उनमें से मैं भी हूँ अलग बात है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बात, अनिश ने रिवाइव दिया अपने बंदे को। धम ओ भाई, एक बॉम्ब और दो जाने, क्या मारा बॉम्ब स्लोट ने, आके पूरी इंसेंट स्कोर ख़त्म कर दिया स्लोट ने एक बॉम्ब के साथ। और वेद ने वैरो की स्कोर है जो कि हेडशॉट देने की कोशिश की है वेद ने, और राहुल भाई साहब ने किया है एक बंदा नोक, स्लोथ को नोक किया मिनी के साथ, और वेद ने किया क्लियर M24 के साथ। थर्ड पार्टी की है और सफल भी हुए थर्ड पार्टी करने में, सबसे मेन किल चुरा लिया इन्होंने, सबसे मेन बंदा मार दिया मिस्टर की स्क्वाड का। और अभी सामने एंडी और बाबा, ये भी अच्छे प्लेयर है, बैड एस भी अच्छा प्लेयर है, जैसे कि स्क्वाड तो पूरी अच्छी है, लाजवाब है, देखो क्या बनता है। वेद ने किया है मिस्टर एंडी को नोक, मिस्टर एंडी को किया वेद ने नोक, कर रहे हैं रिवाइव, रिवाइव दिया जा रहा है, जैसे कि सामने देखा मैंने अभी फ्लेयर चली है एक, ये कौन सी फ्लेयर चलाई है, गेम ख़त्म हो गया आ गया है, और भाई को अब ज़्यादा है कि फ्लेयर भी है मेरी पॉकेट में, भाई साहब थोड़ा और जल्दी चला देते, अब आखिरी जोन में चलाया और ड्रॉप भी आ लिया भाई का। ये तीन नंबर टीम ने मंगाया ड्रॉप, ड्रॉप कर लिया नीचे, ड्रॉप में देखते हैं क्या है क्या नहीं। ओह ये गन तो रहती रहती है, इतनी अच्छी गन ना क्या बताएं, इतनी अच्छी है कि कोई लेता ही नहीं है। और ये भाई मिस्टर एंडी ने किया है दिवांशु को नोक, ओपन में भाग रहा दिवांशु, एंडी का भी हेलमेट नहीं रहा अभी, दिवांशु हो गया नोक, स्प्रे दी है बैडैस ने, वेद के सामने भी है बंदे, वेद भी कर रहा है स्नाइपिंग पूरी टका के, दोनों की तरफ से स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर चल रही है, कोई फायदा नहीं ऐसी गेम खेल के, क्योंकि कोई अभी पुश नहीं करेगा जोन आ लिया, तो इससे अच्छा अभी जोन में जाना चाहिए। दोनों स्कोर को जोन में जाना चाहिए, जोन भी आने वाला है, तो अभी तुरंत दूर से पेल के कोई फ़ायदा नहीं। भाई साहब ऐसे हेलमेट वगैरह फुटाने से अच्छा है चुपचाप जोन में जाओ और जोन में जाके पेलते रहो, ऐसे क्या मरना। और जैसा कि मैं बोला जोन में जाओ, राहुल भैया ने लगता है मेरी आवाज़ सुन ली है, उन्होंने अपनी टीम को कहा है गाड़ी में बैठ जाओ, जोन में जाने का उन्होंने बोला है, और फॉरवर्ड पेल रहे हैं बंदों को,
और ये जा रहे हैं जॉन में। राहुल भाई साहब लेके चले गए अपने ऑटो जोन की तरफ और वेद ने दी है किसी को फायरिंग किसी की तरफ। और राइट पे है नंबर वन स्कोर और देखते हैं क्या होता है, इनकी भी लड़ाई चल रही है अभी तो। टीम नंबर 11 वर्सेस कौन सी टीम, टीम नंबर 11 वर्सेस मिस्टर की स्कोर। टीम नंबर 3 ने कर दिया टीम नंबर 11 पूरी क्लियर। सोल शेरी का एक किल और ये भी नॉक हुए हैं, पैरो डैडी ने किया है नॉक कार 98 के साथ। आगे जोन चूसा जा रहा है इनका खून, तो इनको जाना चाहिए भाई जोन के अंदर। तो ये पलटियाँ खा रहे हैं भाई साहब पूरा, ये भी जोन में मर जाएंगे। बहुत लंबा रूट लेके आए, इससे अच्छा सीधा सीधा चले जाते, बहुत ही लंबा लेके आए हैं। और NDVC के साथ नॉक हो चुके हैं इनके दो बंदे, नॉक जोन में मर गए बेमतलब में। बहुत लंबा लेके आए, ये सीधा भी आ सकते हैं लेकिन पूरा घूम के आए, इस चक्कर में ये मर गए जोन में। और बैड एस रह गए अकेले, ना रिवाइव दे सकते हैं, अब क्या करें भाई, नहीं कर सकते। तो वेद ने किया है एक और नॉक सामने स्कोर का टीम नंबर 3 का। एक तरफ बैड एस अकेले, सामने बैरो की स्कोर और एक तरफ आई एम कंक की स्कोर टीम नंबर 3। देखते कौन जा जीता है। और राहुल भाई साहब लेके चले गए अपने बंदे को अंदर और बैड एस ने पानी नदी पार करके आ गए हैं बैड एस भी। और बैर और राहुल अपनी स्कोर को लेके आ गए फिर से जोन के अंदर पहले की तरह। और तीन नंबर बंदूक के वगैरह चलाते हुए जोन के अंदर घुस रही है और बैड एस भी उनके रास्ते में आ चुके हैं। बैड एस पड़ गए हैं बीच में, हो गया इनका सैंडविच, दोनों तरफ से खाएंगे गोली फिर बनेगी इनकी बोली। बीच में फंस चुके हैं बैरो डैडी आ गए गाड़ी घुमा के और तीन और 3 ने कर दिया बैड एस को क्लियर। और इसी के साथ ले लिया बैड एस ने चिकन डिनर। समझ नहीं आया, आयो फिर से समझाता हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर व्यू से समझा रहा हूँ मैं। इस तरीके से आते हैं ये लोग जोन में टीम नंबर 3 और बैड एस होते हैं बीच में। टीम नंबर 3 मारती है बैड एस को और ये बैरो डैडी लेके आते हैं गाड़ी, तो ये लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इनके दो प्लेयर मर जाते हैं जोन के बाहर। और आखिरी प्लेयर को वेद कर देता स्नाइपिंग से क्लियर, तो बहुत आराम से ले लेते हैं चिकन डिनर। तो सेकंड पे आई है मिस्टर कंक की स्कोर, थर्ड पे है मिस्टर स्लोथ की स्कोर। तो गाइस जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही। ओके बाय गाइस।